देखती आंखों सुनते कानों आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। ये देखें जी, ये मेरा लीमू का पौधा है। ये देखें माशाल्लाह इस पे फल आ चुका है और कुछ जो है अभी इस पे आने लगा है, तैयारी हो रही है। ये देखें फूल लग रहे हैं, ये देखें। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इनको जो फल तो लग जाता है, इसके ऊपर फूल भी लग जाते हैं, तो ये जो है ना गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं? तो इसकी हिफाजत का, इस पे फल लगने का आपको मैं तरीका बताऊंगी। ये देखें जी, बिल्कुल ज़ीरो बजट बताऊंगी आपको, आपका कोई ख़र्चा नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। ये देखें, सबसे पहले जी हम इसमें गोडी करेंगे। गोडी वक्तन फवक्तन करते रहा करें, क्योंकि इसका ना जड़ा, ये जो जड़ होती है ना, ये वाली, ये तना जो है, ये इससे गोडी करने से इसको ताकत मिलती है, हवा लगती है, रोशनी मिलती है, तो ये ना मोटा होता है। ये देखें जी, उसके बाद जी हम इसमें डालेंगे ये अंडे के छिलके, जो कि हमारे किचन में बड़ी इजीली अवेलेबल होते हैं, हर घर में होते हैं। तो ये देखें जी, तो हम जो हैं मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ये देखें जी, उसके बाद जी हम लेंगे टी की पत्ती, चावल पत्ती, ये जो हमारे घर में रोज़ यूज़ होती है। ये देखें जी, इसको भी हम अच्छी तरह से ये डाल के मिक्स कर देंगे। ये मैं तकरीबन रोज़ ही डालती होती हूँ। इधर आपने वीडियो शुरू होने से पहले देखी होगी मेरी। ये है कि जो भी फलदार पौधा होता है, फल ना दे रहा हो ना, तो उसके तने में आप ना ये पत्ती डालें, तो वो फल इंशाल्लाह ज़्यादा भी देगा और जो है ना फल मीठा भी होगा बहुत ज़्यादा। ये एक आप टिप्स समझ लें इसको। उसके बाद जी हमारे पास है यूरिया खाद। ये जो है महंगी होती है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इसलिए मैं इसके आपको मशवरा नहीं दूंगी। तो बेहतर यही है कि आप ना इस यही पत्ती यूज़ करो और अंडे के छिलके। उसके बाद जी ये जो रफ टहनियाँ हैं जो सूख चुकी हैं, वो हम निकाल लेंगे ये इस तरह से। ये देखें जी, ये देखें, ये मैंने निकालनी। ये देखें जी, अभी जो है ना मैं इसको पानी नहीं दूंगी, ये थोड़ी देर रुक के ना ये सूख। ये देखें जी, ये बिल्कुल ये देखें जी, ये बिल्कुल ज़ीरो बजट में आप भी ये इस्तेमाल करें और अपने लीमू के पौधे को भरपूर अपना जो है फल फूल से पाएँ। ये देखें जी, ये माशाल्लाह अब इस पे फल लग चुका है और नेक्स्ट जो है फूल वो भी लग रहे हैं। ये देखें, अब जो मैंने इसको खुराक दी है ये पत्ती और एग्स वाली, तो इंशाल्लाह ये इसका फल बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। ये देखें जी, माशाल्लाह फल इस पे बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। देखें जी, इतने इसके पत्ते नहीं हैं जितना इस पे फल लगा हुआ है। ये देखें जी, ये देखें जी, ये हमारा बिल्कुल ज़ीरो बजट। ये खाद जो है ना, ये हमें महंगी पड़ जाती है। ये है जो दुकान वाले हैं, ये पूरी बोरी देते हैं, थोड़ी सी नहीं देते, तो इसलिए ये चाय की पत्ती यूज़ करें। मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी। इसका फल चेक करें जी, ये देखें जी, ये देखें, इनको मैंने यही पत्ती यूज़ की थी तब के लिए, अब तक लिए इतना।
अल्लाह हाफिज़।